फ्रेंड्स, यदि अच्छी देखभाल और सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद भी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा फूल फल सब्जी नहीं दे रहा है या पौधे में पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी चीज़ का उपयोग जिससे प्लांट को बहुत जल्दी फ़ायदा होता है और पौधे में होने वाली ये सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाती हैं। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये दाने हैं, और कुछ दानों के उपयोग से ही आप अपने प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं और उसमें फल फूल पा सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नर्सरी में भी किया जाता है, लेकिन इसको यूज़ करने से पहले हमें कुछ सावधानियों को जानना ज़रूरी होता है। अक्सर देखा जाता है कि हम अपने प्लांट में जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं वो नाइट्रोजन या पोटेशियम से भरपूर होते हैं, लेकिन पौधे को जितनी ज़रूरत नाइट्रोजन पोटेशियम की होती है उतनी ही ज़रूरत फॉस्फोरस की भी होती है, क्योंकि NPK मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट के लिए ग्रोथ और फल फूल लाने में बहुत ही ज़रूरी है। तो ये फास्फोरस की कमी से ही प्लांट में सारी समस्याएं शुरू होती हैं, पौधा ग्रोथ रोक देता है क्योंकि पौधे की जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। इसके साथ ही पौधे में फूल नहीं बन पाते हैं, यदि बनते हैं तो फूलों का आकार बहुत छोटा होता है या फिर कलियाँ ड्रॉप हो जाती हैं। तो समय समय पर हमें पौधे को फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से फूलों वाले पौधों के साथ साथ सब्जियों वाले पौधे के लिए भी फास्फोरस उतना ही ज़रूरी है। सब्जियों की अच्छी पैदावार लेने के लिए और जो फ्रूट्स हैं उनको स्वस्थ बनाने के लिए आपको फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र महीने में एक बार अपने प्लांट को ज़रूर देना चाहिए। तो ये जो दाने हैं ये फास्फोरस से भरपूर हैं और प्लांट को ज़रूरी फास्फोरस उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इनका यूज़ करने से पहले मैं आपको इनकी सावधानी के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि यदि आप इसकी ज़्यादा मात्रा या फिर गलत तरीके से पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जितनी मात्रा में आपको बताऊंगी बस उतनी ही मात्रा का यूज़ आपको अपने प्लांट के लिए करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। दूसरी बात, इसे आपको बार बार रिपीट नहीं करना है, सिर्फ महीने में एक बार ही इसका यूज़ करना है। तीसरी ज़रूरी बात, बहुत तेज़ धूप में और बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आप इन दानों का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी में हल्की नमी होनी चाहिए और सुबह या शाम की ठंडक में आप इसका इस्तेमाल करें। यदि आप तेज़ धूप में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये पौधों को जला भी सकता है। तो इसके इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं, डायरेक्ट सॉइल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं दोनों ही तरीके इसके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसका नाम जान लेते हैं, हम सभी इन दानों से परिचित हैं, ये है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। इसमें 46% के आसपास फॉस्फोरस और 18% के आसपास नाइट्रोजन होता है। तो पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और पौधे में फल फूल लाने के लिए ये DAP बहुत ही कारगर है, लेकिन एक केमिकल फर्टिलाइज़र होने की वजह से इसका हमें हमारे प्लांट पर ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ख़ासतौर पर जब आप छोटे गमले में प्लांट लगाए हैं और यदि इसका बार बार और ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये एक इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला फर्टिलाइज़र है। नर्सरी में आपने देखा होगा छोटे छोटे प्लांट में भी अच्छी फ्लॉरिंग आती है तो वो DAP का ही यूज़ करते हैं। तो चलिए यूज़ करने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे आपको डायरेक्ट सॉइल में यूज़ करना बताऊंगी, उसके बाद मैं इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। तो आपको जिस भी गमले में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो जितना गमला है जितने पॉट का साइज़ है उतने दाने ही आपको यूज़ करने हैं। एक 10 इंच के पॉट में आप 8 से 10 दानों से ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो मेरा पॉट ज़रा बड़ा है तो मैं इसमें 10 से 12 दाने स्टेम से दूर आपको मिट्टी इस तरह से हटा लेनी है। स्टेम के पास आपको इन दानों को नहीं डालना है। देखिए मिट्टी में नमी बनी हुई है, एकदम ड्राई मिट्टी नहीं है और तेज़ धूप भी नहीं है। इस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है, इस तरह से 10 से 12 दाने मैंने इस प्लांट में डाल दिए हैं और इसके बाद आपको मिट्टी से इसे ढक देना है और फिर पानी डाल देना है। धीरे धीरे ये दाने घुलेंगे और पौधे को फॉस्फोरस मिलता जाएगा। दूसरा तरीका है इसका लिक्विड फॉर्म यूज़ करने का, लेकिन दोनों ही तरीके एक ही प्लांट पर आपको यूज़ नहीं करने हैं, एक पौधे पर आप एक ही तरीका इस्तेमाल करें। यदि दोनों तरीके इस्तेमाल करते हैं तो फिर पौधे में DAP की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी जो कि प्लांट के लिए नुकसानदायक होगी।
तो लिक्विड बनाने के लिए आप प्लांट की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा पानी ले सकते हैं। 1 से 1.5 लीटर पानी में आपको 8 से 10 दाने DAP के डाल देने हैं इस तरह से, और आपको इसको छोड़ देना है। DAP के दाने घुलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जब अच्छी तरह से घुल जाएं तो आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से उसमें इस पानी को डालना है। छोटा पॉट है तो आप 50 से 100 ml और बड़ा है तो 100 से 150 ml इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। तो महीने में एक बार इन DAP के दानों का आप अपने प्लांट के लिए इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक यू।